देखिए, महंगाई से परेशानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, महंगाई से करा रही जनता स्कूल के मनमाने रवैये से भी अब परेशान है। जैसे दिल्ली के रोहिणी में डीपीएस स्कूल पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं और अभिभावक सड़कों पर हैं। दिल्ली की सड़कों पर हाथों में प्लेकार्ड और पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते ये वो मजबूर अभिभावक हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर तालीम के लिए दिल्ली के नामी स्कूल डीपीएस में दाखिला कराया था, लेकिन अब इन लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। डीपीएस के रोहिणी ब्रांच ने अचानक से फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया और इसी के विरोध में अभिभावक सैकड़ों की तादाद में स्कूल के बाहर जमा होकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों के हाथों में जो प्लेकार्ड है उस पर लिखा है 95,000 रुपए से 1,65,000 रुपए। अभिभावक कह रहे हैं 70,000 रुपए फीस बढ़ गई है। इस स्कूल ने पिछले एक साल में 73% अपनी फीस बढ़ा दी है। जो हम लोग पहले 94,000 रुपए फीस दे रहे थे एक साल में, अब वो 1,65,000 रुपए कर दिया है, जिसका इनके पास DOE से कोई अप्रूवल नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि फीस नहीं देने की वजह से बच्चों को क्लास में परेशान किया जा रहा है। बच्चों को परेशान किया जा रहा है कि आपने फीस सबमिट नहीं करी है। कुछ बच्चों को स्कूल से जो है मतलब क्लास टीचर जो है बाहर निकाल देती हैं, किसी का पनिशमेंट दी जाती है और किसी का जो है रिजल्ट भी रोक दिया गया है। ना तो DOE से परमिशन ली गई, ना दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन ली गई। 2021 में DOE ने स्कूल का ऑडिट करवाया था, उसके हिसाब से DPS रोहिणी के पास करीब 40 करोड़ रुपए का सरप्लस है। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का विरोध कर रहे ये पेरेंट्स फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।